Hello guys, welcome back to Mahindu Tutorials. I am Subham Sharma and today we will discuss about NDA Maths section. Mostly I will deal with the NDA Maths section. There are a lot of topics in there, but where I have students ki jaise kuch demand aayi sir NDA Matrix ki questions aur trigonometry ke aur calculus ki questions dalo, to pehle main hum matrix se start karne ja rahe hain. Mostly for NDA ke liye hum start karenge yahan pe aur sabse pehle hum padhenge matrix. मैट्रिक्स के अंदर अब पहले पढ़ेंगे ये मैट्रिक्स होती क्या है. मैट्रिक्स क्या होती है भाई? मैट्रिक्स होती है कि एक ऐसी कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें एलिमेंट होते हैं A11, A12, A13. मैं मान लो ये 3x3 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ. A21, A22, A23, A31, A32, A33. मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो ध्यान में बात रखो कि जब भी मैं क्वेश्चन बताऊँगा तो आप ये करना, इसके मैं आसपास के कंसेप्ट भी तब बताऊंगा. तो एक पेन को भी अपने साथ रखो और उसके कंसेप्ट भी इसके साथ नोट करते जाना. ये देखो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जो कि क्या है 3x3 की है. 3x3 की इन द सेंस कि इसके अंदर आप, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब NDA वाले स्टूडेंट हैं जो NDA की एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो होपफुली वो 11th और 12th में मैथ्स पढ़ के आए होंगे. तो बेसिक वहाँ से अगर आपका क्लियर हो जाता तो ठीक है, नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको इसके अच्छे से बेसिक से इसका वीडियो डाल दूंगा. लेकिन अभी मैं ये सोच के रखता हूँ कि आपको इसमें समझ में आता है. ठीक है, ये इसके अंदर स्तंभ है एक, फर्स्ट ये कॉलम है. स्तंभ को हिंदी में बोलते हैं, कॉलम इंग्लिश में बोलते हैं. तो ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है. और इसमें तीन रो होती है, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, इसके अंदर तीन रो होती है. और देखो इसका ऑर्डर अपन इसी लिखेंगे. पहले ये एम क्रॉस एन बोलते हैं इसको. एम होता है नंबर ऑफ रोज और एन होता है नंबर ऑफ कॉलम. तो एम को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. तो ये होता है नंबर ऑफ कॉलम. एम नंबर ऑफ रोज एंड एन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. सो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं एम और एन. यहाँ पे इसकी बेसिस पे अपन क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं. तो इसी बात पे मैं पहले ही इसका एक क्वेश्चन बता देता हूँ. मैट्रिक्स के ऑर्डर पे ही और एम क्रॉस एन है, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं. देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर किसी पूछे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है तो आप इसमें यही बताओगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने. तो ये क्या है, एम क्रॉस एन. एम इज नंबर ऑफ रोज एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. तो एम क्रॉस एन अपनी इसको अकॉर्डिंग से इसके बता सकते हैं. अब मैं इसके ऊपर एक बेसिक सा कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर अपन आगे बात करेंगे मैट्रिक्स की. और तो ये देखते हैं वो कंसेप्ट क्या है, वो सीखते हैं पहले अपन. जैसे मान लो अपने को अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दी हो, हाँ पहले ये भी जानना जरूरी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये अपने लिए जानना बहुत जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, विच मीन्स एम इज इक्वल टू एम. एम का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज. तो जहाँ पे एम इक्वल टू एन हो उसको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो तो ईजी वे में होता है. लेकिन अगर मैट्रिक्स मान लो स्क्वायर नहीं हो तो अगर एम नॉट इक्वल टू एन हो तो इन केस अपन क्या करेंगे, अगर अपने वो मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो उस केस के अपन क्या करेंगे वो बात अपन यहाँ देखते हैं. देखो उसके ऊपर मैं कंसेप्ट भी बताता हूँ कि उसकी कंसेप्ट अपन उसको कैसे डिफाइन करेंगे. तो वो देखो ऐसे है कि जैसे सपोज मान लो कि ए आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए कोई एम क्रॉस एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है और एक मैट्रिक्स आपके पास एक और है बी, विच इज पी क्रॉस क्यू. ये तो ये ऑर्डर पी क्रॉस क्यू ये तो बी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है और ये वाला जो ए एम क्रॉस एन ये किसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का. अब देखो अपने को मान लो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है. अब बताना है कि जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो एक ए बी अपने पास मैट्रिक्स आएगी उस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा. देखो एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और इसके आंसर निकालें. ठीक है, और अभी 2017 में ही जो भी स्टार्टिंग ईयर के स्टार्टिंग में पेपर हुआ था 2018 के अंदर अभी पेपर हुआ था, जो फर्स्ट पेपर था एनडीए में, उसमें इसी बेस कंसेप्ट के बेस पे दो क्वेश्चन आए थे मैट्रिक्स के, एक इसी भी बेस पे था. वो देखे कैसे था. देखो अगर ऑर्डर अपने वो मैट्रिक्स देखते हैं तो एम क्रॉस एन क्रॉस पी क्रॉस क्यू ऐसे देखो इसको या तो. ठीक है, या ऐसे नहीं देखना तो इसको ऐसे देख लो कि दो ही अलग अलग मैट्रिक्स है. तो ये दोनों है जो ये वाले, ठीक है इसको अलग पेन से कर देता हूँ तो आपको अच्छे क्लियरिटी थोड़ी अच्छे से हो जाएगी. देखो अगर ये n है ये और p है, अगर ये n इक्वल्स टू p है यहाँ पे क्या है, इफ n इक्वल्स टू p, या अगर यहाँ पे n इक्वल टू p है दोनों इक्वल हैं तो इस मैट्रिक्स का जो जो ए बी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस
क्यों, ये इसका एकदम सिंपल सा फंडा है। अगर आपको देखना हो तो देखने में कि ये क्या बना दिया, कुछ नहीं है, ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर की, बी एक मैट्रिक्स है पी क्रॉस क्यू ऑर्डर की। अगर एन इक्वल टू पी है, एन इक्वल टू पी है, ये दोनों बराबर है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा एम क्रॉस क्यू, ये जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। इस पर बेस पे अपन एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो याद नहीं हो क्या है, आप देख लेना, इसी साल की जो फर्स्ट पेपर हुआ था एनडीए का, उसी के अंदर वो क्वेश्चन आया था, और इसी पेपर में बता देता हूँ देखो उसको कैसे सोल्व करना है। जैसे मान लो इसको एक एग्जाम्पल लेके भी अपन सोल्व कर लेते हैं, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो वो मैट्रिक्स आप सोल्व करके देख लेना अपने घर पे, आपको पता लग जाएगा कि क्या था। देखो मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये वाली एक मैट्रिक्स है, मान लो ए ही एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x4, ये मान लो इसका ऑर्डर ही है, और इसी से मैं एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी जिसका ऑर्डर है 4x5, ये ऐसी है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इन दोनों का क्या आएगा ऑर्डर अगर अपने को निकालना हो। देखो ये हमेशा आपको दिया हुआ है, ये 4 इक्वल है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये दोनों 4 क्या है, दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो क्या बात, यहाँ बात बन गई ना 3x5 का हो जाएगा, ये 3x5 ये ऑर्डर ऑफ ये इस मैट्रिक्स का हो जाएगा। जब भी आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x5 पाओगे, और बिलीव नहीं हो तो एनडीए का फर्स्ट में इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आपकी भी एग्जाम एनडीए का दूसरे पेपर भी नजदीक है, तो उसके बारे में नेक्स्ट अपन डील करते हैं, आगे देख लें। नेक्स्ट एक कंसेप्ट सीखते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ये सिखा रहा हूँ, देखो मैं क्वेश्चन ऐसे ही एक टॉपिक टॉपिक उठा के चलूंगा और पूरा मैट्रिक्स इन्हीं क्वेश्चन में कंप्लीट करवा दूंगा, जहां मुझे लगेगा जो कंसेप्ट बताना वो बताता चलूंगा। बारहवीं वाले बाद जो बारहवीं के बाद वाले बच्चे हैं वो आसानी से इसको समझ सकते हैं, उनको केवल एक बार उनकी कंसेप्ट डेवलप होनी चाहिए। तो देखते हैं इनवर्स कैसे निकालते हैं। देखो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, इसको अपन ए इनवर्स को अपन कैसे भी इनवर्स कर सकते हैं, और ए डैश से भी कोई करते हैं अलग अलग इनके, तो मोस्टली अपन ए इनवर्स ही करते हैं। देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉनमेंट मॉडुलस ऑफ ए। अब देखो दो नई चीज आ गई, अब एडजॉइंट ऑफ ए ये कौन सी महाभारत आ गई, और यहाँ पे एक मॉडुलस अलग सी चीज आ गई। अब देखो दोनों बता देता हूँ क्या है, मोस्टली जो इसके अंदर एनडी के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो 2x2 मैट्रिक्स के आते हैं, 2x2 मैट्रिक्स के वो इनवर्स के क्वेश्चन पूछता है। तो देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स में लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, एक मान लो बी एक मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स है 2, 4, 6, 8 ये मैट्रिक्स है। अगर देखो 2x2 की मैट्रिक्स का अपने को डिटरमिनेंट निकालना हो तो कुछ नहीं करना, इन दोनों और इन दोनों को जैसे ये एरो बने हुए ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर दो, और ज्यादा आपको दिख नहीं रहे हो तो और थियोरेटिकली ऐसे बना देता हूँ, कुछ भी ले लो, इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी ये दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है। रिजल्ट क्या आएंगे, बी इक्वल टू सबसे पहले इसी को लेना, 6×4=24 होता है, -5×2=10, तो बी इक्वल टू क्या आ गया 14, यहाँ पे 14 आ गया। अब देखो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ इट अगर 3x3 की मैट्रिक्स का निकालने जाओगे बहुत बड़ा बनेगा, और एग्जाम में नहीं आता इतना बड़ा क्वेश्चन, वो देता ही नहीं क्योंकि नहीं निकाल हो नहीं पाता इतना जल्दी से। तो देखो अब इसका बी का जो अपन एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी, अगर ये केवल एडजॉइंट है ये 2x2 के केस में ही वैलिड होगा, बाकी के केस में वैलिड नहीं होगा। अब मैं एडजॉइंट ऑफ बी निकालता हूँ, तो बी मैट्रिक्स है 2, 4, 6, 8, तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना मैं बोल रहा हूँ जो ये डायगनल वाले एलिमेंट है। अब देखो एक और कंसेप्ट आ गया, डायगनल क्या होते हैं भाई, देखो यही बता देता हूँ डायगनल क्या होते हैं। ये देखो ये जो यहाँ पे ये एलिमेंट दिख रहा है ना, ये भी एक डायगनल है और ये भी एक डायगनल है, और ये प्रिंसिपल डायगनल है, ठीक है, ये दोनों क्या है इसके डायगनल है। और इसी पे एक कंसेप्ट और बता देता हूँ इसी के साथ ही, देखो इसी के अंदर कवर करते जा रहा हूँ, इनवर्स से स्टार्ट हुए थे, और एक इसी के साथ कंसेप्ट और बता देता हूँ, ट्रेस ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, जब डायगनल की बात आ जाती है तो ट्रेस भी बता देता हूँ। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट, सम ऑफ द डायगनल मैट्रिक्स। अब आपको मैं पूछ लूँ इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगनल 8, 2 और 8 कितना हो गया 10,
येलो इसका 10 भी निकालते हैं। अब देखो फाइनली आते हैं हेड जॉइंट पे। हेड जॉइंट में क्या करना है, देखो ये दोनों है ना, ये दोनों जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इनके, तो इनको तो इंटरचेंज करना है, इनको तो क्या करना है इंटरचेंज, इंटरचेंज इनको तो करना है इंटरचेंज, और इनको क्या करना है इनके साइन चेंज करने, क्या करने साइन चेंज और एंड इंटरचेंज, साइन चेंज भी करना लेकिन इनके इंटरचेंज भी करना है इनको। एडजॉइंट ऑफ बी क्या जाएगा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा 8 2 -6, दोनों प्लस की देखो यहाँ पे माइनस फोर कर देते, ये लो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। तो देखो सीधी सी बात है एडजॉइंट ऑफ बी ये है, तो अपन लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ बी क्या है 8 -4 -6 2, और ये 1/4 में है तो डिटर्मिनेंट अपन ने निकाला था 14, 1/4 में 14, ये लॉजिक ये इन्वर्स तैयार है अपने इसका, जो मैट्रिक्स का जो ये अपने को एक बी मैट्रिक्स थी इसका इन्वर्स अपन ने ये निकाल लिया है। ये तो देखो जनरल सबसे जो मेन फॉर्मूला है इन्वर्स का वो ये वाला फॉर्मूला है, इन्वर्स का ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे ए बी इन्वर्स जो अपने बी मैट्रिक्स ली थी उसका बी इन्वर्स, तो यहाँ पे ऐसे अपन इसको इन्वर्स देगा। तो इन्वर्स में देखो अपन एक बार वो देख ली ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस भी देख लिया मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। दूसरी बार अपन एडजॉइंट निकालना सीख लिया, यहीं पे डिटरमिनेंट 2/2 मैट्रिक्स का निकालना सीख लिया, अब 3/3 मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकालना सीखा लेता हूँ। वैसे मैं ये तो मान के चलता हूँ बच्चों को आता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार क्या है एक नॉर्मल तरीके की तैयार पे अपन बता देते हैं कि इसका वो भी क्या होता है, या फिर देख लेते हैं फटाफट से इसको भी फिर आगे कवर करते हैं। ज्यादा जल्दी से जल्दी अपने को कवर करना है इसको, क्योंकि सिलेबस इसका सब्जेक्ट ये भी कुछ बहुत फास्ट है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, तो अपने को इसको हो सके तो जहाँ तक जितनी जल्दी उसकी उतनी अपने इसको निपटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन निपटाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ छोड़ दिया जाएगा, पूरा करवाया जाएगा, ऐसा नहीं निपटाने का मेरा, थोड़ा सा वर्ड्स ऐसे हैं तो इसको मतलब चिपका दूँ निपटा दूँ थोड़ी आदत में है तो वर्ड ऐसे ही है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से अपन 3/3 मैट्रिक्स का 2 4 6 3 2 1 5 2 1 रेंडमली है, अब इसको मैट्रिक्स निकालनी है। तो देखो कैसे भी निकाल सकते हो आप, इस रो के अकॉर्डिंग कॉलम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, रो के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, हिंदी वाले देखना चाह रहे हैं जो हिंदी वाले दर्शक हैं उनके लिए स्तंभ के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, या फिर एक पंक्ति के अकॉर्डिंग भी अपन इसकी मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ये 3x3 की यहाँ पे मैट्रिक्स है, देखो मैं पहले इसकी इसके अलोंग निकाल रहा हूँ, इस पहले स्तंभ के अलोंग निकाल रहा हूँ या पहले कॉलम के अलोंग निकाल रहा हूँ, तो ये समझ लो कि अपन इसको छिपा लेंगे, इसको छिपा लेंगे, और जो पहले पहला एलिमेंट अपन ये ही लेंगे, पहला एलिमेंट क्या लेंगे अपन 2 लेंगे, अपना पहला एलिमेंट क्या होगा 2 होगा, और इस 2 के अंदर अपन क्या करेंगे 2 के कौन सी कॉलम में आ रहा है पहले कॉलम में, कौन से रो में आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो में, तो क्या करेंगे पहले सबसे पहले क्या करोगे सबसे पहले 2 ले लो, यहाँ पे 2 लिया, फिर इन दोनों को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस, जैसे अपने 2/2 की मैट्रिक्स सॉल्व की थी पता है ना, तो वैसे कर लेंगे 1 -10 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे सेकंड टाइम जब भी सोल्व करेंगे वहां पे माइनस आएगा, ये कुछ रूल्स हैं एक दो वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। जब सेकंड अब देखो इसके अकॉर्डिंग लूंगा मैं 4 के अकॉर्डिंग तो 4 को लूंगा, तो यहाँ पे पहले 4 आएगा, फिर क्या आएगा, फिर ये देखो ऐसे आएगा, फिर 4 कौन सी रो में आ रहे हैं, 4 देखो इस रो में आ रहा है, एक तो इस रो में आ रहा है, और कॉलम कौन सा सेम वही कॉलम है, एक ही कॉलम चल रहा है, तो अब क्या करेंगे अपन इस रो को भूल जाएंगे इस कॉलम को भूल जाएंगे। ये भाई अपने को ये याद रखना है जिस कॉलम में जो एलिमेंट जिस कॉलम में या जिस रो में आ रहा है उसको अपन भूल जाएंगे, बाकी को अपन जिसे 2/2 की मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं वैसे कर देंगे। इसको हो गया 3, पहले इसको फिर 3 और 1 देखो, इसको भूल गए इसको भूल गए, तो 3 और 1 3, 2 और 2 4 हो गया प्लस, अब ये प्लस होगा। अब देखो जब अपन थर्ड एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब थर्ड एलिमेंट होगा इसको जब थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे तो अपन अगेन थर्ड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में ही आ रहे हैं और थर्ड रो में आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाएंगे बाकी को याद रखेंगे। तो देखो पहले एलिमेंट 6 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, 6 आ गए यहाँ पे, अब देखो इसको भूल जाएंगे तो 5 3 15 -2 ठीक है, a = 2, 1 -10 हो गया -9, -4, -1 +6 13, -18 +4 और 13 6 17 ठीक है।
और ये हो गया 64 इसके डिटरमिनेंट हो जाएगा, ये अपने से इसके डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। एक सिंपल सी प्रोसेस थी, उसके अकॉर्डिंग अपने इसका एक डिटरमिनेंट निकालना भी सीखा। समझ में आ गई बात? अब एक इजी सी बात और, एक और सीख लो जल्दी से, आपको एक बात और सिखा देता हूँ फटाफट। अब डिटरमिनेंट ऐसे ही है, कहीं माइनस आ जाएगा कहीं प्लस आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो या फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालते रहिए, मैं देखता रहूंगा जहां जहां भी आपको लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ ये डालना चाहिए या बता देना चाहिए, जो मुझे लगेगा तो मैं सारे सब बता दूंगा। आप जस्ट कमेंट में डालते जाइए, सजेशन देते जाइए कि सर ऐसे वीडियो बनाओ, या फिर मुझे हमें ऐसा नहीं लग रहा, थोड़े अक्सर बड़े लोगों को मान लो कि आपको दिख नहीं रहे हो, या अक्सर छोटे हो बड़े हो, तो आप दे सकते हो, जो भी आपको सजेशन देना हो वो भी आप दे सकते हो। हम वार्म वेलकम करेंगे आपके सजेशन का, और उनपे बात करेंगे, उनपे गौर की जाएगी। अब देखो अपन एक बात और सीख लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ इट्स मैट्रिक्स, अब देखो मैं ओनली थ्योरी पढ़ाता हूँ तो ये लगता है कि ओनली थ्योरी क्लास है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस थ्योरी क्वेश्चन दोनों देके चल रहा हूँ, तो ताकि अपना बैलेंस एक बना रहे। इसको ए ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज कैसे करेंगे अपन? ए ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं, ए पावर टी, ए के ऊपर टी लगा देते हैं, इसको ए ट्रांसपोज से अपन इसको इसे डिनोट करते हैं। अब देखो मान लो अपने पास ए कोई मैट्रिक्स है, 4 6 2 3 4 6 9 1 5, ये अपने पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है। अब इसका अपने को क्या निकालना है? ए ट्रांसपोज निकालना। तो ए ट्रांसपोज निकालना, तो ए ट्रांसपोज में पता कुछ नहीं करना, कन्वर्ट रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। देखो पहले फर्स्ट मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं कॉलम को रो में कर रहा हूं, आप रो को कॉलम में कर दे रहे, मैट्रिक्स वही आएगी। पहला कॉलम इसको मैं रो में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये देखो ये पहला कॉलम है, इसको मैं रो में कन्वर्ट कर रहा हूं, 4 3 9। ये दूसरा कॉलम है 6 4 1 वाला, 6 4 1। ये थर्ड कॉलम है 2 6 5, तो इसको 2 6 5। ये लो सर बात हो गई आपकी, हो गया ट्रांसपोज, अपना ट्रांसपोज खत्म हो गया। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना ट्रांसपोज के अंदर। कुछ मैट्रिक्स के बारे में और बात जानकारी दे देता हूँ जल्दी से जल्दी, तो जितना हो सके, और मुझे बताते रहिए जो आपको ज्यादा हार्ड वाला एरिया या जहाँ पे बतानी है। देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो आप बोलोगे एक दिन वो भी लिखवा दूंगा, ताकि जल्दी से जल्दी अपन इसके क्वेश्चन सोल्व कर सके, है ना। तो देखो एक होती है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, या फिर उसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय है इसको हिंदी में, तो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आ जाएगा मुझे। तो ये इसका मतलब ये होता है कि डिटरमिनेंट, मान लो एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है वो इक्वल टू जीरो, तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। एक होते हैं अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, है ना, आ गया नाम याद। इसको तो बोलते हैं शायद सिंगुलर, क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जो ये अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर, क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर, कि ए कोई ए मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो अब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसको अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब भाई उसका डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है। तो मान लो देखो ये दे दिया, मान लो इसे क्वेश्चन दे दिया, एक्स 2 4 8 0 9, मान लो 2 1 2 3, ये क्वेश्चन आ गया। अब बोला है इसको मैट्रिक्स दे दी ए, दिख रहा होगा आपको ये मैट्रिक्स दे दी ए, बोले ये मैट्रिक्स ए है। अब बताओ भाई ए इज ए मैट्रिक्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इन्होंने बोल दिया कि इस एक्स की वैल्यू निकालो जहां पे जो ये ए मैट्रिक्स है, ये क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का भैया मतलब क्या होता है? उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। समझ गए बात? अब देखो ये खेल रहा है अपने साथ, लेकिन इसको खेलने नहीं देंगे। जब अपने को ये कंसेप्ट पता होंगे ना तो ये खेलता ही रह जाएगा, अपन इसके साथ खेलेंगे। बात हुई, अब देखो इसके साथ खेल लेते हैं, अपने मजे ले रहा था, अब इसके अपन मजे ले लेंगे। देखो मजे ऐसे लेंगे इसके, ये भाई अभी सिखाया था आपको डिटरमिनेंट निकालना, देखो अब देखिए उसको, अब बताना आप ही बताओगे मुझे, ठीक है। तो पहले एक्स ले लूँ, हाँ ठीक है ले लेता हूँ भाई, एक्स ले लिया, 9 देखो 9 3 27 और -4 आ जाएगा, ये -4 मैं बताया था। देखो माइनस, अगर माइनस कीजिए प्लस कर दिया फिर आगे बोलोगे सर आपने तो गलती करवा दिया, करवा दिया, मेरी वो उसमें नहीं होगी। देखो भैया माइनस आपको ही याद रखना पड़ेगा, ये मैं नहीं रखूंगा। नेक्स्ट एलिमेंट 8 वाला ले रहा हूँ, कॉलम के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, 8 ले लिया, ये हट गया, ये हट गया, 6 -8 आ गया, फिर प्लस आ गया, 1 ये हट गया, ये हट गया, 4 -36
और इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो आएगा। भैया मजे ले रहा है ये, इसने बोला था क्या है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर नहीं मैट्रिक्स पता है तो वहाँ पे पट्टियाँ गिरना एग्जाम में, ठीक है। अगर पता हो यहाँ पे तो पट्टियाँ नहीं गिरनी पड़ेंगी, आंसर निकाल दोगे। तो देखो एक्स 27 माइनस 23 माइनस 8 और 2 ये क्या हो गया 16, माइनस 2 बचा ना तो ये प्लस हो गया 16, प्लस 4 माइनस 36 कितने हो गया माइनस 32, तो माइनस 32 ये हो गया 23x इज इक्वल टू माइनस 16 इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल टू क्या आ गया 16 अपॉन में 23। ये तो देखो मेरी रैंडम वैल्यूज थी, तो आंसर ऐसा है 16 अपॉन में 23, वरना जब वो एग्जामिनर देगा तो वो क्वेश्चन ऐसा ही बना के देगा, तो वहां पे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपने को 16 अपॉन में 23 ऐसा करो, तो फिर ऐसे ऐसे अपन कर सकते हैं। अब देखो भैया वीडियो कैसा लगा वो तो आपको बताना ही बताना है, कमेंट में नहीं बताया तो देख लेना फिर आपकी वो नहीं, खैर नहीं, खैर तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन आप भी कमेंट में बताओगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे मतलब कहाँ कमी रह रही है, कहाँ क्या हो रहा है, तो वो भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। और कमेंट में बताओ कि आपको और किस पर वीडियो चाहिए या फिर कैसे क्वेश्चन और आपको देखने हैं और वगैरह, तो अपन सब डिस्कस करेंगे। देखो भैया जी अपने से एक बहुत ही अच्छा सा नाम रखा है मैंने, मेरे चैनल का नाम है, ये है मेरे चैनल का नाम माहिंदू। इस कभी दिन कोई जब अच्छा सा दिन आएगा तो उस दिन बताऊंगा कि इसके पीछे राज क्या है। जब अपना चैनल कुछ हाइट गेन कर लेगा आपकी वजह से, जब कुछ आप भी हाइट गेन करवाओगे मेरे चैनल को, तब बताऊंगा मैंने इसके मेरा चैनल का नाम माहिंदू क्या रखा है। इसके माहिंदू रखने से पहले ये नाम क्यों रखा है, मैंने बहुत ही सोच समझ के रखा गया है ये नाम है मेरा, और मतलब काफी टाइम लगता है इस ऐसे नाम को सोचने के लिए। अब टाइम तो क्या लगता है, देखो अपना ही अपना सब का फंडा रहता है, तो देख लो माहिंदू ट्यूटोरियल्स है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको करना ही है। लिख के थोड़ी बताऊँ, एक वो बेल घंटे का बटन होता है उसको दबा देना, जो जो मैं वीडियो डालूंगा आपके फायदा नोटिफिकेशन आ जाएंगे। चलो टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।